Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will be doing another chapter of GST, that is supply of goods, services or both. देखिए, कोई भी टैक्स होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, तो टैक्स लगाने से पहले उसका कोई एक टैक्सेबल इवेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, अगर किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी, किसी फर्म या किसी बिजनेस की अगर कोई इनकम अराइज ही ना हो तो फिर इनकम टैक्स किस पे लगाओगे? दैट मीन्स इनकम टैक्स तब कब होगा? तो इसका टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इनकम. मीन्स इनकम होगी तो इनकम टैक्स होगा. सेम फॉर कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी कल होती है इम्पोर्ट एंड और एक्सपोर्ट. अब अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो कस्टम ड्यूटी किस पे होगी? तो ऐसे ही जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है जिसको बोलते हैं हम सप्लाई. दैट मीन्स अगर सप्लाई होगी तभी जीएसटी लग सकता है, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं हो सकता. ठीक है, अब देखिए जीएसटी की डेफिनेशन क्या है. ध्यान से देखिए, जीएसटी मीन्स टैक्स लेवी ऑन गुड्स. टैक्स लेवी ऑन गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन ह्यूमन कंज्यूमेबल लिकर, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, पेट्रोल एक्सेट्रा. देखिए क्या क्या बोला है, यानी कि जीएसटी पे टैक्स उसी गुड्स पे लगेगा या उसी सर्विस पे लगेगा जो जो कि ह्यूमन कंज्यूमेबल लिकर ना हो. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, पेट्रोल, यानी कि इन ह्यूमन कंज्यूमेबल लिकर को छोड़कर बाकी सब गुड्स और सर्विसेज पे जो है टैक्स लगेगा. ठीक है, लेकिन ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसको एलेबरेट कैसे होगा. देखिए ऐसा नहीं कि सब पे ही जो जीएसटी आ गया, जी नहीं, सब पे जीएसटी नहीं आया. गवर्नमेंट ने क्या करा है, पहले तो टैक्सेबल इवेंट बनाया है. जीएसटी क्या होता है? सप्लाई. ठीक है, तो यानी कि देखिए पहले तो हमें देखो ये चेन बहुत अच्छे से पढ़नी है. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई वट आर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, विच मीन्स गवर्नमेंट हमें बता रही है कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से गुड्स या सर्विस आते हैं, या फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या गुड्स हैं क्या सर्विस हैं. ठीक है, इसमें हमें जीएसटी की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन में देखनी पड़ेगी कि गुड्स किसको बोला हुआ है और सर्विस किसको बोला हुआ है. ठीक है, अगर गुड्स और सर्विस हो गए तो ही तो देखना है कि वो सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, सप्लाई तो हो रहा है, फिर हमें देखना है कि वो लेवी है या नहीं होगा. लेवी होगा तभी जीएसटी होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या क्या पढ़ी हमने, जीएसटी मीन्स टैक्स लेवी ऑन गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन ह्यूमन कंज्यूमेबल लिकर. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जी हाँ है. सप्लाई हो रही है, जी हाँ हो रही है. लेवी है, जी नहीं, तो फिर जीएसटी नहीं होगा. यानी कि ये चेन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए जीएसटी को लगाने के लिए. अगर चेन जैसे टूट जाती है तो फिर जीएसटी लगेगी नहीं. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई वट आर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, देना भी देखना है वेदर दे आर सप्लाइंग और नॉट, सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है देखना है. फिर उसके बाद सप्लाई तो हो रही है ये देख लिया, फिर उसको देखना है कि जीएसटी उस पर लेवी हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी देखना है. ठीक है, अब देखते हैं गुड्स के. यहाँ पर देखिए, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू द लैंड. देखिए क्या बोला हुआ है, गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो गुड्स जो मूव करते हों उनको गुड्स बोला हुआ है. किससे छोड़कर? अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि रुपीज. ठीक है, अगर आप किसी को रुपी के बदले रुपी दे रहे हो, ठीक है, तो फिर जो है उस पर जो है कोई भी जीएसटी नहीं है. बट हाँ, अगर आपने रुपी के बदले डॉलर एक्सचेंज किया या पाउंड में एक्सचेंज किया तो फिर वो किस में काउंट होगा? गुड्स या सर्विस, ये तो सर्विस होती है. ठीक है, तो उसका वो सप्लाई के अंदर आ जाएगा, वो सप्लाई भी होगा और वो जीएसटी भी. ठीक है, तो दैट मीन्स आप अगर बात करिए कि अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि अगर रुपी से रुपी अगर कन्वर्ट हो रहा है या फिर लेन देन हो रहा है किसी चीज़ का, तो फिर उसको जो है गुड्स ही नहीं माना गया. अगर गुड्स ही नहीं माना गया तो फिर सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो लेवी नहीं होगा. ठीक है,
लेवी नहीं है तो जीएसटी नहीं है। बट इंक्लूड्स क्या बोला हुआ है ना, एक्सटर्नेबल क्लेम, ठीक है, एक्सटर्नेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास थिंग्स अटैच टू द लैंड, ठीक है। एक्सटर्नेबल क्लेम क्या होता है, वो गुड्स जिस पे आप एक्शन या फिर क्लेम कर सको दैट दिस इज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमें बैंक से लोन लिया, आपने मॉर्गेज भी रख, आपने उसको मॉर्गेज पे लोन लिया, आपने है तो वो चीज़ आपकी, मॉर्गेज लोन पे आपने जो भी सामान दिया है, जो भी कुछ तुमने प्रॉपर्टी जो भी आपने गिरवी रखा है तो वो गुड्स आपके ही, उस पर तो क्लेम आपका है, उस पर राइट आपका है, ठीक है। हाँ, अंटिल अनलेस बैंक, अगर आपने इसको लोन रिपेमेंट नहीं करी तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स जो है किसके नाम हो जाएंगे, बैंक के हो सकते हैं या बैंक उसको जो है रीसेल कर सकता है, सेल ऑफ कर सकता है, ठीक है। बट वो गुड्स तब तक आपके, जब तक आप उसको लोन पेमेंट कर रहे हो तब तक उस पर आपका क्लेम है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेबल क्लेम, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज देखिए, ना तो वो गुड्स है ना सर्विसेज है, अभी हम सर्विस डेफिनेशन पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है। बट इंक्लूड्स क्या बोला हुआ है, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पर गुड्स माना है। यहाँ पर यह क्या बात, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गुड्स की डेफिनेशन कि व्हाट आर गुड्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये चेन की पहली कड़ी पढ़ रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। तो क्या है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी हैं, ग्रास या फिर कोई एनी थिंग अटैच टू द लैंड, उन सबको जो क्या बोला हुआ है, गुड्स बोला हुआ है, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा, सर ये लैंड कहाँ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो इमूवेबल है, अब उसको गुड्स ही नहीं माना गया, माना माना यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल गुड्स नहीं है, तो वो क्या है, आप थोड़ा सोचिए फिर हम इसके बारे में अच्छे से अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विसेज की। देखिए, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। देखिए मनी सिक्योरिटीज, देखिए गुड्स में मना करा है, सर्विस में मना करा है। देखिए सर्विसेज क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर बाकी सब सर्विसेज, लेकिन और क्या क्या छोड़ा हुआ है उन्होंने, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। देखिए जो मैं बात बोल रहा था आपको, मैं रुपी टू डॉलर, डॉलर टू रुपी, रुपी टू पाउंड, पाउंड टू रुपी, ठीक है। अगर कुछ एक्सचेंज या कन्वर्जन हो रहा है देन इट विल काउंट अंडर सर्विसेज, ओके। और बाय अदर देन मोड फ्रॉम वन फॉर्म कैरी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। यानी कि सर्विसेज के लिए कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है, कमीशन वगैरह लिया है एक्सचेंज करने के लिए, उसको क्या माना गया है, सर्विसेज माना गया है, ठीक है। तो देखिए आपको ये चेंज याद करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज, देन हमें देखना है क्या वो सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि गुड्स किसको बोला हुआ है, सर्विस किसको बोला हुआ है। अब हम आते हैं सप्लाई पे, कि किसको सप्लाई माना गया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने देखिए सेक्शन बनाया, सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) में गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव लिस्ट दी है, पॉजिटिव लिस्ट इन द सेंस कि दीज इन दिस लिस्ट दे हैव लिस्टेड सम पॉइंट्स कि व्हाट आर द व्हाट आर व्हाट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाई, मीन्स किसको सप्लाई माना गया, किसको उसको सप्लाई नहीं माना गया, ठीक है। तो पॉजिटिव लिस्ट पहले हम पढ़ रहे हैं कि किसको सप्लाई माना है, देन एक और सेक्शन है जिसमें बोला हुआ है नेगेटिव लिस्ट की इसको सप्लाई नहीं माना गया है, ठीक है। तो देखो इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, सेक्शन 7(1)(a) क्या बोला हुआ इसमें, देखिए सेल, ट्रांसफर, बाटर, रेंट, लीज, लाइसेंस, एक्सचेंज एंड डिस्पोजेबल ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कि अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेल, ट्रांसफ़र, बाटर, रेंट, लीज, लाइसेंस, एक्सचेंज एंड डिस्पोजेबल ऑफ गुड्स, फॉर वॉट, फॉर कंसिड्रेशन एज वेल एज फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। यानी कि अगर ये आपकी जो है क्या हो रहा है, सेल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, किसके लिए हो रही है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए भी हो रही है एंड फॉर द कंसिड्रेशन के लिए हो रहा है, यानी कि इसमें पैसे भी इंक्लूड है और बिजनेस भी है, तो उसको जो सप्लाई माना गया है, C+B इंक्लूड हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिएगा सेल हो रही है लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए सिर्फ कंसिडरेशन के लिए है, तो उसको सप्लाई नहीं माना गया,
सेम फॉर ट्रांसफर, यानी कि दोनों कंडीशन फुल होना चाहिए, कंसिडरेशन प्लस बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 7(1)(b) रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या बोला हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से अगर आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा हो ना वो बात अलग है, लेकिन अगर उसमें पैसे इन्वॉल्व हैं तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपने बाहर से किसी से भी किसी भी पर्सन से, चाहे आपका रिलेटिव हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी हो, अगर आपने कोई भी सर्विस इम्पोर्ट करी है, चाहे वो बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रही ना हो रहा, चाहे आपने पर्सनल यूज़ करी करी हो, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन के लिए करी हो, तो फिर अगर उसमें पैसा इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, तो फिर उसको सप्लाई माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 7(1)(c), ये एक स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल 1। इसमें आपको देखो याद करने का तरीका क्या है, परी P4 क्या बोला हुआ, देखिए, परमानेंट डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC हैज बिन क्लेम। अब देखिए डिस्पोजेबल, देखो अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था डिस्पोजेबल, हमने यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पे डिस्पोजल क्या देखिए, यहाँ पर कंसिडरेशन भी है एंड बिजनेस भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर P4 क्या है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC हैज बिन क्लेम ओनली फॉर द बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट बोला हुआ है, ठीक है, अब मैंने लाइक कहते प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए मेरी बिजनेस एसेट है, ठीक है, एंड मैंने उसका जो है ITC भी क्लेम कर लिया, ठीक है, अब आफ्टर यूजिंग लाइक आफ्टर 2 ईयर्स आई एम गोइंग टू सेल ऑफ दिस, तो सेल ऑफ करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, अब मैंने उस एसेट को बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, मैंने उसको बिजनेस के लिए यूज़ किया था, मैंने उसको, इन्हें क्या बोला हुआ कि जिस पे मैंने ITC क्लेम किया हुआ है, परमानेंट डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC हैज बीन क्लेम्ड, और वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा था, तो उसको सप्लाई माना गया है। ठीक है, तो उसको सप्लाई माना गया है, यानी कि देखिए परमानेंट डिस्पोजल अगर बिजनेस एसेट को अगर हमको सप्लाई से अगर बाहर निकालना है, तो कब हो सकता है, जब वो इस पे ITC अगर क्लेम ही नहीं किया तब भी इसको सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ITC क्लेम बिना क्लेम करे उसको सेल ऑफ कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो फिर उस पे जो है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ए, ए फॉर एजेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि एजेंट प्रिंसिपल के बीच में, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ने बोला ए को, एजेंट को, कि आप मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को आप गुड्स जो है सेल ऑफ कर दीजिए, सप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एजेंट जो है सी को प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो है गुड सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो है वो सप्लाई जो है मानी जाएगी। किसके लिए हो रहा है, देखिए वो बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है, चाहे उसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज आर, आर मीन्स रिलेटेड पर्सन। देखिए रिलेटेड पर्सन ही बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन ही बोल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को कोई भी गुड सामान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं, वो बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, या फिर देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन किसे बोलते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे दिल्ली में बिजनेस है, मेरी एक ब्रांच है हरियाणा में, ठीक है, मैंने यहाँ से गुड्स जो सप्लाई कर दी, मैं यहाँ पर मेरा GST यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन है, तो इसका बिजनेस रिलेशन वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको क्या बोलेंगे हम डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि देखिए देखिए यहाँ पर भी मेरा GST रजिस्ट्रेशन है हरियाणा में, ठीक है, एंड दिल्ली में भी मेरा GST रजिस्ट्रेशन है, पैन नंबर तो सेम है, GST किस पर रजिस्ट्रेशन होता है, पैन बेस पर होता है, पैन सेम है, ठीक है, तो फिर इस ब्रांच में अगर मैं कोई भी सप्लाई करूँगा, पैसे चाहे मैं लूँ ना लूँ, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो फिर उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हेड ऑफिस को या ब्रांच का हो, या फिर कोई भी रिलेटेड पर्सन हो, तो उसको आप सप्लाई करो, बिजनेस के लिए दे रहे हो, तो फिर उसको जो सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज आई, आई क्या यहाँ पर देखिए
इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अब बोलोगे सर ये तो फिर से पॉइंट आ गया, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पर आ गया बिजनेस के लिए भी इन्वॉल्व हो। अब पूछो कि सर यहाँ पर उन्होंने फिर ऊपर क्यों नहीं पॉइंट बताया। देखिए यहाँ पर कहता है कि गवर्नमेंट को किसी भी हालत में किसी भी तरीके से इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को सप्लाई करना ही करना था, चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स किसी तरह से वसूलना था। देखिए अगर यहाँ पर जो है सी प्लस बी कर देते, अगर मान लीजिए इस पॉइंट में सी प्लस बी कर देते, अगर एक पॉइंट में मिस होता तो वो सप्लाई से बाहर हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि सी के लिए अलग पॉइंट बना दिया, यानी कंसिडरेशन के लिए अलग पॉइंट, बिजनेस के लिए अलग, ताकि इसमें पॉइंट दोनों हो। यानी कि अगर सिर्फ बिजनेस के लिए हो तो वो सी तो किस में आएगा, सेक्शन 7 CB में आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो सेक्शन 7(1)(b) में आ जाएगा। यानी कहीं से वो बाहर जा ही नहीं सकता, सप्लाई तो माना मान के छोड़ा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, P4 परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, A4 एजेंट प्रिंसिपल, R4 रिलेटेड पर्सन और डिस्टेंट पर्सन, एंड I4 इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ये पॉइंट इसके लिए सेक्शन 7(b) ओनली फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्केड्यूल सेकेंड। देखिए इसने क्या बोला हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है सप्लाई माना गया, ऊपर तो क्या सप्लाई है ही है, यहाँ पर क्या माना गया, क्या है यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स अगर जो है या सर्विस अगर ट्रांसफर हो रही है। देखिए अगर विद टाइटल हो रहा है तो क्या आंख बंद करके आप समझ देना उसको क्या मानेंगे हम, सप्लाई ऑफ गुड्स। विद टाइटल हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे वो इमिजिएट ट्रांसफर हो रही हो या फिर फ्यूचर डेट पे हो रही हो। ठीक है, पैसा अभी ले लिया, गुड्स बाद में सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो फिर चाहे कोई भी हो, चाहे सप्लाई कभी भी हो, चाहे इमीडिएट हो रही हो, चाहे फ्यूचर डेट पर हो, लेकिन अगर विद टाइटल हो रहा है तो क्या मानेंगे इसको हम, सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन इज अगर विदाउट टाइटल हो तो, देखिए इसमें जो है एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो ही तरीके से फंसा सकता है, या तो वर्ड लिखा हो कि ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स या फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स। ठीक है, बस याद रखना अगर विदाउट टाइटल है चाहे कुछ भी, आपको क्या मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये था Schedule 1 डीम्ड सप्लाई। अब बात करते हैं सेक्शन 7(1)(2) नेगेटिव लिस्ट। अभी हमने प्रूफ का कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 7(1) पॉजिटिव लिस्ट की किस किस को सप्लाई माना गया है। अब पढ़ रहे हैं नेगेटिव लिस्ट, यानी किस किस को सप्लाई माना ही नहीं गया, गुड्स हैं सर्विसेज हैं लेकिन सप्लाई नहीं माना गया। क्योंकि देखिए हमें तो ये पूरी चेन पढ़नी है ना, हमको ये पूरी चेन पढ़नी है, गुड सर्विसेज सप्लाई भी। ठीक है, तो कंप्लीट करने में चेन GST लगाने के लिए। तो देखिए नेगेटिव इसमें क्या है, देखिए एम एम फॉर क्या है, MLA PM CM या GST काउंसिल, यानी कि अगर इनके द्वारा अगर सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई हो रही है तो उसको सप्लाई माना ही नहीं गया। ठीक है, यानी कि अगर इनके द्वारा अगर सप्लाई हो रही है, कोई भी गुड ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट ई ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या है, अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के अंडर कोई भी गुड्स सेल कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको सप्लाई नहीं माना गया। आई रिपीट, अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कोई भी गुड सेल ऑफ कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको सप्लाई नहीं माना गया, नेगेटिव इसमें। देखिए वैसे तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं, आप खुद ही सोचिए, लाइक कौन ऐसा एम्प्लॉई है जो एम्प्लॉयर को कोई सामान बेचता है, गुड्स बेचता है, बहुत रेयर केस होता है। तो इसको तो मतलब पॉइंट मतलब ढूंढ के, मतलब समझ लो कि मतलब बचा हुआ ये पॉइंट बचा हुआ था, गवर्नमेंट को मजबूरी में डालना पड़ा कि अगर इनके साथ से कुछ होगा तो फिर इसको जो नेगेटिव लिस्ट में डालो। तो मतलब ये समझ लो कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद कर लेना कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस या गुड सप्लाई कर रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उस केस में जो है नेगेटिव यानी कि सप्लाई नहीं माना गया। नेक्स्ट वन इज डी डी फॉर डेथ, यानी कि डेथ के केस में अगर किसी डेथ हो जाती है तो उसके में फ्यूनरल में जो भी लाइक गुड्स गुड्स की सप्लाई होती है, सर्विस होती है, तो उस पर जो GST नहीं लगे। नेक्स्ट वन इज सी सी मीन्स कोर्ट फीस, कोर्ट फीस में देखिए कोई भी GST नहीं लगेगा।
नेक्स्ट वन इज ए, ए मीन्स एक्शनेबल ग्रेन। ऊपर देखें हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की, गुड्स में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स इंक्लूड ऑल, गुड्स इंक्लूड, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। उसमें लिखा हुआ था इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम की, सो गुड्स माना गया है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम, कि सप्लाई किसको माना गया है। एक्शनेबल क्लेम वहाँ पर बोला तो गुड्स माना गया है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि किसको सप्लाई नहीं माना गया, यानी कि यहाँ पर बोल रही गवर्नमेंट बोल रही है कि एक्सेप्ट लॉटरी और हॉर्स को छोड़कर बाकी सब एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई ही नहीं माना गया। ठीक है, यानी कि लॉटरी एंड हॉर्स गुड्स भी हैं सप्लाई भी है, इन पे जीएसटी लगेगा, बाकी सब एक्शनेबल क्लेम को जो है गुड्स तो माना गया है लेकिन वो सप्लाई नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज एल, एल के यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर मतलब क्या है लैंड एंड बिल्डिंग का, आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने भी ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको हम कहाँ पर कंसिडर करेंगे, इधर इधर इन गुड्स और सर्विसेज। देखिए लैंड की जगह मजबूरी है, लैंड बिल्डिंग की मजबूरी है कि वो गवर्नमेंट ने उसको जो है गुड्स में डाला ही नहीं है, तो फिर इसको जो है सर्विस में आना पड़ा। सर्विस कैसे, देखिए सर्विस जो है बहुत तरीके से है, लाइक लाइक कहते हैं ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, किसी भी हो गया, रेंट हो गया, लीज हो गया, तो उस कैंड उस प्रॉपर्टी अगेंस्ट अगर इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो सर्विस माने सप्लाई मानेंगे फिर सर्विस में मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला यहाँ पर, लैंड जरा ध्यान से पड़ेगा। देखिए अगर लैंड को रेंट भी दे रहे हैं, लीज पे है या लाइसेंस पे है, तो उसको क्या माना गया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर लैंड को बेच दिया तो उसको सप्लाई माना ही नहीं गया, सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, पहले बात लैंड क्या है, सर्विसेज है, याद रखना क्या है, सर्विसेज है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि लैंड को जो है सप्लाई माना गया या नहीं माना गया। ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल इमूवेबल सॉरी गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया कि लैंड जो है वो किस में आएगा, सर्विसेज में आएगा, क्योंकि सर्विसेज में डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, सर्विसेज मीन्स एवरी सर्विसेज मीन्स अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर बाकी सब सर्विसेज हैं, और गुड्स में क्या लिखा हुआ था, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड को कहाँ आना था, सर्विसेज में आना था। इतना तो अब हमें क्लियर हो कि लैंड क्या सर्विसेज में आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये बोला है कि सर्विसेज जो है कि दो कैटेगरी बनाई हैं, यानी कि अगर लैंड लैंड में अगर रेंट पे हो, लीज पे हो या लाइसेंस पे हो तो उसको सप्लाई और सर्विस माना गया है, लेकिन अगर लैंड को बेच दिया तो उसको सप्लाई ही नहीं माना गया, सर्विस है लेकिन सप्लाई नहीं माना गया। ओके, अब पढ़ते हैं बिल्डिंग के केस में। देखिए बिल्डिंग केस में सेम, अगर रेंट लीज लाइसेंस है तो सप्लाई और सर्विसेज होगा, लेकिन ट्रांसफ़र होगा तो देखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन टोटल अमाउंट जो है कब पेमेंट हो रही है। दैट मीन्स अगर हो रहा है टोटल कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन तो उसको सप्लाई ही नहीं माना गया। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें टोटल जो है मान लीजिए चार फ्लोर हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप इस बिल्डिंग का एक फ्लोर के जो आप इंटरेस्टेड हो, सपोज आप फर्स्ट फ्लोर लेने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, लेकिन अभी ये बिल्डिंग बनी नहीं है, आपने सपोज एक लैंड है, सॉरी एक लैंड है उस पर जो है चार फ्लोर कंस्ट्रक्शन होनी है। ठीक है, अभी बनी नहीं है। ठीक है, अब आपने जो है लैंड के ओनर से या फिर मान लीजिए बिल्डर है कोई, उससे बोला कि आप जो है मेरा जो है फर्स्ट फ्लोर बुक कर लीजिए। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है आप जो कुछ पैसे दीजिए ताकि ये फर्स्ट फ्लोर जो आपके लिए बुक हो जाएगा, से 4 रुपीज़ मान लीजिए एक एक जो है फ्लोर की जो अमाउंट है सपोज 50 लाख ईच है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसको जो है 5 लाख की पेमेंट कर दी। ठीक है, आपने 5 लाख की पेमेंट क्या क्यों दी है, बुक करने के लिए, बुक करने के लिए, लेकिन बुक करने का मतलब क्या था है? कि मैंने कि इस पर्सन ने इस बिल्डर को जो है 5 लाख रुपीज़ दिए कि आप मेरे लिए काम शुरू कर दीजिए, तो यानी कि 5 लाख रुपए आपने जो है ये फ्लोर बनाने के लिए दे दिए, बाकी पेमेंट बाद में करो जब बन जाएगी तब आप करो। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर टोटल कंसिडरेशन अगर आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन है, ठीक है, तो फिर उसको सप्लाई नहीं माना गया, लेकिन अगर कंसिडरेशन या फिर और पार्ट रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन कुछ भी हो तो उसको सप्लाई और सर्विस माना गया।
क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये जो बिल्डर है ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपने आपने जो है वो उसने आपसे जो 5 लाख रुपीज़ दिए और वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है। ये किस में काउंट होगा? सर सप्लाई और सर्विसेज, आई रिपीट, बिल्डिंग के केस में। अगर बिल्डिंग आपने रेंट पे दी हो, लीज पे दी हो, लाइसेंस पे दी हो, तब तो आंख बंद कर देखिए क्या होगा, सप्लाई और सर्विसेज होगा। ट्रांसफर केस में आपको देखना होगा दो बातें होंगी कि अगर मान लीजिए पूरा पैसा या पूरा पैसा जो है अगर आफ्टर कंप्लीशन दिया है तो उसको सप्लाई नहीं माना गया, लेकिन अगर कुछ भी पैसा हो, ठीक है, कुछ भी पैसा हो, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी पैसा हो, अगर आपने कुछ भी पैसा जो है बिफोर कंप्लीशन कुछ भी दिया हो तो पूरा पूरा क्या माने जाएंगे, पूरी सप्लाई क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, अब पढ़ते हैं जरा सप्लाई। देखिए सप्लाई एक तरह से दो तरह की होती है, डोमेस्टिक, क्रॉस बॉर्डर। डोमेस्टिक होगी तो क्या कहाँ कहाँ क्रॉस होती है, इधर इंटरस्टेट या फिर इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होगा तो कुछ जीएसटी किस टाइप का लेवी जो होगा वो कौन से किस टाइप का टैक्स लगेंगे, CGST, SGST, इंटर हुआ तो IGST, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर हुआ तो क्या होगा, या तो इम्पोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट होगा। इम्पोर्ट हुआ तो देखेंगे या तो गुड्स का हो रहा है कि सर्विसेज का हो रहा है। गुड्स का हुआ तो देखिए दो टाइप के गुड टैक्स लगेंगे आपके, BCD, दैट मीन्स बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड IGST। अच्छा एक बात आप ध्यान से हमेशा याद रखना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखिए किस में आता है, कस्टम में आता है। और देखिए यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, GST एंड कस्टम लॉज। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने इसको पहले से अलग बना रखा है, GST अलग है, कस्टम लॉ अलग है, ठीक है। मैंने आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था मैंने आपको कि गवर्नमेंट ने जो है GST अलग बनाया हुआ है और कस्टम लॉ अलग है, क्योंकि कस्टम लॉ जो है कई बार डायरेक्ट टैक्स की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है कि BCD के ऊपर जो भी IGST लगेगा, दिस IGST इज डिफरेंट फ्रॉम दिस IGST। ये जो IGST है ये किस में आता है, IGST एक्ट में, GST एक्ट में आता है, लेकिन ये IGST किस एक्ट में, किस एक्ट में बना है, कस्टम लॉ के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेवी अंडर कस्टम एक्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेम नहीं हो सकता, सेम फॉर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट होगा गुड्स या सर्विसेज का होगा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो IGST लगेगा। और फिर बाद में जो है इसमें जो है मोस्टली मैक्सिमम केस में जो है अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आप एक्सपोर्ट करते हो उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स नहीं लगा रही, लेकिन अगर इन केस अगर फिर भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है तो फिर वो तो रिफंड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, जीरो रेटेड सप्लाई। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।